हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज आपको क्लास 7 का साइंस का अगला पार्ट में बताते हैं क्या होता है। एक्टिविटी 2.4 में क्या है, स्वाद कलिकाओं के बारे में जानेंगे। क्रियाकलाप 2.2.4, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस फॉर कर्स नीम लीफ आर बीटर ग्राउंड बाइल्ड ब्लाइंड होल्ड ऑन ऑफ योर क्लासमेट एंड आक्सर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लोट पोजिशन अस ए क्लीन टूथपिक टू पुट द एबव सैंपल्स एनी बाई वन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शो इन फिगर 2.6 अस ए न्यू टूथपिक फॉर इच सैंपल। पहला में दिया गया है निम्न पदार्थों को के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए, जैसे चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी भी मित्र की आंखों में पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए। तीसरा में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की एक बूंद को रखिए। वहाँ पे फिगर्स में यहाँ पे दिया गया, उस पर किसी भी पार्ट पे एक बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठा, नमकीन, खट्टे तथा कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र में 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन उसके द्वारा अनुभव होता है। अन्य सहपाठियों के साथ यह क्रियाकलाप करें। द फूड पाइप आइसोफगस, भोजन नली। द सॉलिड फूड पास इनटू द फूड पाइप आर ऑर्गन आइसोफगस लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो निगला हुआ भोजन होता है वो कहाँ जाता है? ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वृक्ष से होती है जैसी होती है वृक्ष जैसी होती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन में से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। फूड इज पुशेड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड फिगर 2.7। एट टाइम्स The food is not accepted by our stomachs and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. आमाशय मोटी, कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसके बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया था, जैसे उल्टी दस्त होती है। जब भोजन के बाद आपने वमन किया था, इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय में चर्चा करें। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है तथा यह गति भोजन की नीची ओर धकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसके बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब हम भोजन के बाद अपने वमन क्रिया को तथा इसके कारण के विषय में सोचिए और अपने अभिभावकों और अध्यापकों से इसके बारे में चर्चा करें। आगे दिया है द स्टोमच आमाशय। द स्टोमच इज ए टिक
वाल बैग इट्स शेप इज लाइक ए प्लांटेड जेड। आमाशय मोटी भित्ती वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जेड की आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? जेड की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का ये क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर द इनर लाइन ऑफ द स्टोमक सेक्रेट मस्कस। आमाशय का आंतरिक अस्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रस को क्रिया में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों से में बदलता है, विघटित करता है। प्रोटीन्स इंटू सिंपलर सबस्टेंस, इसको सरल पदार्थों में विघटित करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, क्षुद्रांत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट्स रिसीव सेक्रेशन फॉर द लीवर एंड पेनक्रियाज। बिसाइड इट्स वॉल एज आल्सो सेक्रेट जूस। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडल नली है। यह एक यकृति एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृति गहरे लाल भूले रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग से दाहिने और अव्यवस्थित रूप से शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस स्रावित करती है। यह बाइल जूस स्रावित करती है जिसकी सहायता से एक थैली संग्रहित हो जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर, जिसको कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाचन क्रिया में पित्त रस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।